Today in this video, I am talking about three ways to learn English. Because in this world, we are living in 2021. And this is a modern epoch. आज के इस आधुनिक दौर में अगर हमें इंग्लिश नहीं आता तो ये बहुत ही छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंग्लिश क्यों जरूरी है? बिकॉज इंग्लिश जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये जो है सेकंड ग्लोबल लैंग्वेज है। आप कहीं पे भी चले जाए, आप ट्रेन पे जाए या एयरपोर्ट पे जाए, किसी भी जगह जाए, वहां पे जरूर इंग्लिश में आपको जरूर समझाया जाता है। आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां पे कुछ हिंदी में रहती है और इंग्लिश में रहती है। तो इन इंडिया में जो है इंग्लिश जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन तरीके। सबसे पहला, आप कितना भी ग्रामर पढ़ लिए, आप कितना भी कुछ पढ़ लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जरूरी है, तो पहला है कि आप रीडिंग करें। आप कोई नॉवेल बुक, किसी की स्टोरी की समरी पढ़े, रीडिंग स्किल होगी बेहतर तो सब अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप लिसनिंग करें, आप सुने। आप जानते हैं कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, एक साल के या छह महीने के या दो साल के, पहले वो सुनते हैं कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। वहां पे इंग्लिश बोला जा रहा है तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हिंदी बोला जा रहा है तो वो हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां का उसका इन्वायरमेंट है। तो उसी तरह आप भी जो है पहले वहां पे सुने, लिसनिंग करें। आप किसी की पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप किसी भी स्टोरी की आप उसकी ऑडियो सुन सकते हैं इंग्लिश में, तो ये भी बहुत बेहतर है। उसके बाद जो है आप तीसरा जो तरीका है वो है स्पीकिंग। आप बोले, आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। आपने एक छोटे बच्चे को सुना होगा, वो दो साल का है, ढाई साल का, जब वो बोलता है तो तुतलाता है, ठीक है, लेकिन वो बोलता है। आप जब बोलेंगे तो आपकी हेजिटेशन खत्म होगी, तो आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो इसलिए आज की स्टूडियो मैंने आपको बताया तीन तरीके। सबसे पहला कि आप रीडिंग करें, आप किताब पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, समरी पढ़ें। दूसरा, लिसनिंग, आप सुने। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और तीसरा, आप स्पीकिंग करें, आप बोले, इंग्लिश में बोले, गलत जैसे ही लेकिन बोले। सो स्टार्ट करना चाहिए।